अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुद ऑफिस से होंगे। तो आज हम बात करेंगे, हमने अपने इंटरनेट से हाई रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी PNG JPG इमेज को किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ जी मैं गूगल में। यहाँ पर आप लोगों ने जॉनसन में आप लोगों को आज 3 वेबसाइट्स बताऊँगा जिसकी रेजोल्यूशन बेहतरीन होगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सबसे पहली वेबसाइट का नाम। जी सबसे पहले मैं वो नोटपैड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ पता लगता रहे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी उस वेबसाइट का नाम। ए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये वन डॉट यहाँ पे है जी पिक्सल, एक मिनट, पिक्सा बे, ठीक है, .com। आप लोगों ने ये जो सा है नेट पे सर्च कर लेना है pixabay.com। मैं इसको जिस तरह के सर्च करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी, और गूगल पे आके मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी करके pixabay.com के नाम से। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप लोगों को एक हाई रेजोल्यूशन के अंदर बेहतरीन HD क्वालिटी में JPG या PNG फाइल्स मिल सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर ओपन तो हो चुकी है, मगर ये जो सा ना काफ़ी बड़ा बड़ा मुझे दिखा रहा है। इसको थोड़ा छोटा सा करके देखते हैं। तकरीबन यहाँ तक समझ नहीं लग रही है किस तरीके से। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर हो गया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नज़दीक करता हूँ जी। इसको मैं पकड़ के यहाँ से थोड़ा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो क्या दिखा रहा है जी कि यहाँ पे हमारे पास ऑल इमेजेस हैं ऑन पिक्सा पे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी ओवर 2.7 मिलियन हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कुछ भी, पहले मैंने कार सर्च किया था, इस बार मैं कुछ और सर्च करके देखता हूँ जी। यहाँ पर क्या सर्च करूं यहाँ पे, आई थिंक सो एप्पल, यहाँ पे एप्पल इतना मैं लिख लेता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। तो ये देखिएगा आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा एप्पल की इमेजेस आ जाएंगी जो कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर, ख़ास तौर पे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बेहतरीन है। अगर आप लोगों ने अडोब फोटोशॉप यूज़ करना है, कोलड्रा यूज़ करना है या अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, तो आप लोगों के लिए ये जो सा एक बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। आप लोगों को लिए जो 3 वेबसाइट बताऊँगा तीनों ही बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। आप लोगों ने इधर से जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका नाम सर्च करना, यहाँ पे आपके सामने इमेजेस आ जाएंगी। मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी एक को, और ये देखें रेजोल्यूशन, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब, तो ये देखें न्यू टैब मिनी ओपन हो। यहाँ पे मुझे शो इन फोल्डर करता हूँ या ओपन करता हूँ, खुद ब खुद ये जॉनसन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये चेक करने के आपके सामने कितनी अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर आपके पास ये एक एप्पल जो सा वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ कोई, और मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी जो से अच्छी रेजोल्यूशन में है। मैं इसको करता हूँ इधर, अब राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब, तो ये देखें यहाँ से खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी। ओपन करता हूँ, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी, इसकी भी रेजोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, कोई पिक्सल नहीं इसका फटेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो सी वेबसाइट है, पहली वेबसाइट की तो आप लोगों को उम्मीद है समझ लगी होगी। आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे जौन सी भी आपकी pixabay.com के नाम से जौन सी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिए। जौन सी भी आप लोगों को चीफ चाहिए यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लें और उसको यूज़ कर लें, डाउनलोड करने दीजिए, ठीक है। इसको इस टाइम मैं क्लोज करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को इन तीनों वेबसाइट के लिंक इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जौन सा ना नोटपैड के अंदर मैं दूसरी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ जी, सॉरी, यहाँ पर जौन सा दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है जी, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, इन तीनों में सबसे अच्छी है इन अनसप्लैश, ठीक है। ये जो सा सबसे अच्छी वेबसाइट है इन तीनों में, वेबसाइट अकेली है बल्कि ये। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी, गूगल में आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट करता हूँ एंटर। तो ये देखना आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि मेरी फेवरेट वेबसाइट है, जहाँ पर मैं अपना सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे जितनी इमेजेस हैं वो सारी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी दोबारा से, ऑरेंज, सॉरी ये क्या हो रहा है, ऑरेंज, और एंटर दबा देता हूँ। तो ये देखना यहाँ पे आप लोगों के सामने सारी ऑरेंज के ऊपर आप लोगों को लिंक भी मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को सारी ऑरेंज की जो सा इमेजेस मिल जाएंगी। ये देखें इधर आप लोगों को लॉगिन या साइनअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें मेरे पास तो जीमेल भी एक्टिवेट नहीं है, फिर भी देखें मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, किसी भी को करता हूँ डाउनलोड, इसको करता हूँ, जौन सी भी आपको अच्छी लगे आपने उसको यूज़ कर लेना है। मगर आपको लोगों को एक बात बताता चलूँ
कि ये ऊपर जो है ना ये सारी आई स्टॉक की आ रही है, इस वजह से आप लोग नीचे वाली यूज करें, यहाँ वाली ऊपर वाली नहीं यूज करनी वरना आपके पास वाटरमार्क आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करें और यहाँ से मैं कोई करता हूँ जी डाउनलोड, ये वाली करता हूँ, ये है डाउनलोड फ्री, यहाँ पे क्लिक कर लें। जो सा भी आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है, स्मॉल मीडियम लार्ज या ओरिजिनल साइज जो सा है उसको डाउनलोड कर लें। मैं भी इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज या इसको थोड़ा दूर करता हूँ ये देखें, और राइट क्लिक करके सेव इमेज डेस्कटॉप पे मैं इसको रखता हूँ जी, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे लेता हूँ कोई भी, या फिर मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ओपन इमेज न्यू टैब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को रेजोल्यूशन तो पता लग ही गई होगी कि कैसे कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना मैंने क्लिप करके दिखाया, मगर फिर भी इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और सर्च करता हूँ जी, ऑरेंज की बजाय करता हूँ जी मैं कैट, और एंटर दबा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सारी कैट्स की इमेजेस आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करता हूँ जी, ओपन करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग के कितने अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर आप लोगों के पास ही इमेज अवेलेबल हो चुकी है। नेक्स्ट जो सी वेबसाइट है इसको मैं दोबारा से क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट तीसरी वेबसाइट है, उसका नाम है जी PNG All, मतलब कि ऑल इमेजेस जो कि PNG होगी या JPG होंगे हम उसको डाउनलोड करेंगे। कंट्रोल सी, इधर आके कंट्रोल बी करता हूँ और एंटर। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास PNG इमेजेस और आ चुकी हैं। ख़ासतौर पे वो बता रहा है कि ये वेब डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी ऐप या कार्ड कर सर्च करके देखते हैं, कार इमेजेस और एंटर। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे जी हमारे पास काफ़ी सारी कार्स की इमेजेस आ चुकी होंगी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ दिखा सकूँ, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ जी, मेरे ख्याल में ये सही है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। रेस कार इमेजेस है जिसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को एड्स ही होंगे, आप लोगों ने उसको क्रॉस कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जो है जो भी आप लोगों ने सर्च किया उसके रिलेटेड आप लोगों के पास आ जाएंगी। ये देखिए मैंने एक कार सिर्फ सर्च की थी, यहाँ पे रेस कार, स्पोर्ट्स कार, रेस कार PNG, काफ़ी सारी इमेजेस कार्स की वो आ चुकी हैं, स्पोर्ट्स कार, रेस कार, स्पोर्ट्स रेस कार, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स रेस कार, इस तरह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पास इमेजेस आ चुकी हैं। आप लोग इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। मुझे इस टाइम इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, वापस मैं होम पेज पे जाता हूँ क्लोज, और यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ जी बाइक, सॉरी थोड़ा नीचे करता हूँ और सर्च करता हूँ यहाँ पर इस वाले बटन पर सर्च, और यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी सारी बाइक्स आ जाएंगी। ये व्हीकल्स मैं इसको ओपन करता हूँ जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी सारी बाइक्स की इमेजेस आ जाएंगी। मुझे इस वजह से नहीं शो हो रही क्योंकि मेरा इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, जितना इंटरनेट फास्ट होगा उतनी जल्दी आप लोगों को ये शो होती रहेंगी। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी लाजमी क्लिक कर दें। अगर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन का फ्री में कोर्स चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसको ईजीली वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ओके अल्लाह।